असिस्टेंट मैनेजर, उनको जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है ना उस हिसाब से इंटरव्यू के क्वेश्चन रखे जाते हैं। आप ऐसे फ्रेशर हो मतलब आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, आपने इंडस्ट्री में केवल एक ट्रेनिंग करी है 15 दिन की, दैट्स इट, वो भी कंपनी को आपके ऊपर बिलीव है कि आपने ट्रेनिंग प्रॉपरली करी है कि नहीं करी है। तो इंटरव्यू में जो पर्सन है आपके ऊपर क्या चाहता है, वो बेसिकली केवल आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं है, बस वो वही चेक करेगा, ठीक है। हमारा बेसिक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बेसिक क्या होता है, जैसे मैं अगर मैं क्यूसी की बात करूं तो क्यूसी के अंदर क्या होगा, हम डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन डेवलप करते हैं। तो व्हाट इज द नॉर्मलिटी, व्हाट इज द मोलरिटी, व्हाट इज द बफर पीएच, ठीक है, यूबी इंस्ट्रूमेंट है, तो क्योंकि कैंपस है तो कैंपस जो आ रही है कंपनी उसको बताया कि हमारे पास यूवी भी है, हमारे पास एचपीएलसी भी है, हमारे पास डीजो भी है, हमारे पास जीसी भी है, ठीक है, हमारे पास फ्लैम फोटोमीटर भी है, ठीक है, सारे अपैरेटस हम लोगों के पास है। तो ये चीज उसको ही पता है कि इस कॉलेज के पास सारे हैं, तो क्वेश्चन आए होगा इससे रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड डीपली नहीं होगा, बट ये जरूर होने वाला है कि इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उससे वो एक पर्सन ये चेक करेगा कि आपको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं पता। दूसरी चीज ये कि कई बार इंटरव्यू के अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने वो इंस्ट्रूमेंट चलाया है कि नहीं चलाया। 99.9% लड़के बिना देखे बोल देंगे कि हाँ सर हमने वो इंस्ट्रूमेंट चलाया है, ये होगा। बट वो क्रॉस चेक करने के लिए आपसे ये पूछेगा कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका ब्रांड नेम और कंपनी का नाम क्या है, और 99% लड़के वहां पर अटक जाएंगे। तो अपने रिज्यूम के अंदर अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में शो कर रहे हो कि मुझे ये इंस्ट्रूमेंट चलाना आता है, ये मेरी स्किल है, तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए। आपने अगर रिज्यूम कॉपी पेस्ट मारा है तो फिर वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर नहीं पता है तो पढ़ लेना सिस्टमेटिकली, बट रिज्यूम में जो चीज लिखी है वो होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर आपने कुछ रिज्यूम के अंदर कोई सेमिनार के बारे में लिखा हुआ है कि मैंने ये सेमिनार अटेंड किया है, ठीक है, तो सेमिनार का सर्टिफिकेट भी साथ में रखना, और हो सकता है कि सेमिनार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये सेमिनार का टॉपिक क्या था, इसमें क्या पूछा गया था, ठीक है, क्योंकि आपको दिमाग रखना ज्यादा डीप में जाने वाला नहीं है ये इंटरव्यू, ठीक है। होने वाला ये है बेसिकली कि जिस टाइप की स्टार्टिंग में 10-15 लड़के होंगे वो जैसा एक तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देंगे और वो जैसा इफेक्ट डालेंगे इंटरव्यूअर के ऊपर, वो फिर वैसे ही क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो रहा? यस सर। अगर शुरू के 15 या 10-15 लड़कों ने बिल्कुल ही नेगेटिव इफेक्ट मतलब कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप आके खड़े हो गए बैठ गए वहां पर, और उसको फिर पता चल गया कि फिर हालत खराब है, तो फिर वो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल कम कर देगा। यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा ना बेसिकली उसके 2-3 चीजें, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, याद रखना ड्रेसिंग का, वहां पर बिल्कुल भी डिबेट मत करना, कोई किसी के ऊपर कोई कमेंट हो जाएगा तुम्हारे बाल क्यों बड़े हैं, बाल कम है, तो जबरदस्ती पलट के जवाब दे दिया वहीं पे नंबर कम होगा, वो तो होना ही नहीं उसका, क्लियर, क्योंकि हम किसी से नौकरी मांगने जा रहे हैं। क्लियर होता व्हाट इज द नौकरी, नौकरी नौकर से एक वर्ड निकला, आप किसी से समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। यस सर। तो फिर उल्टे जवाब दे सकते हो? नो सर। ठीक है, तो समझ गए हो, जो बोल दिया सुन लेना, सॉरी सर करके निकल जाना, बात को बढ़ाना नहीं तो इंटरव्यू कहीं और निकल जाएगा, बहस भी करनी, उससे बहस बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हारे चक्कर में जो बात के आने वाले लड़के ना उनका इंप्रेशन खराब होता है कि लगता सब ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट थिंग, कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जिनसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जिन्होंने अभी तक कॉलेज के दर्शन भी नहीं करे हैं, बिल्कुल लो अटेंडेंस है, नहीं उनको तो मना भी नहीं करा। अगर ऐसे हैं सर, होता क्या है कई बार कि आपसे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है, पिछली बार हुआ था ऐसा, बुक्स है, आप कोई आंसर दोगे या वो कई बार आपसे बुक्स का नाम पूछेंगे, जैसे जो हम अच्छी बुक्स यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि बुक्स का नाम भी बताओ कि आपने कौन सी बुक से पढ़ा है, कुछ अच्छी बुक्स जो है हमारी उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उससे एक अच्छा इंप्रेशन आएगा। अगर आप बुक्स का नाम नहीं है तो ये नहीं है कि कुछ भी बोल दो, जैसे पिछली बार किसी ने बोला था कि हम तो गाइड से पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे जवाब बिल्कुल गंदे हैं, ठीक है, इससे क्या इंप्रेशन आ रहा है, तो आपको बताना है कि हम बुक्स से पढ़ते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी अपनी लाइब्रेरी कितनी अच्छी है।
ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एक चीज और मैं आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे पूछता है कि आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, कि अपने घर का सिंगल चाइल्ड है, उसको कंपनी वाले कई बार अवॉइड करते हैं क्योंकि ऐसे लड़के जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते कंपनी, तो आपको थोड़ा सा उसको उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप काम करना चाहते हो, नीडी हो आप, या कुछ ऐसे बच्चे जिनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा पैसे वाले, ठीक है, तो उनको भी वो अवॉइड करते हैं क्योंकि जरा सा प्रेशर उन बच्चों के ऊपर पड़ता है कंपनी छोड़ के भाग जाते हैं। क्लियर हो रहा है? Yes, तो आपने चीज दिमाग के अंदर रखनी है, अगर वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहा है तो उसका एक रीजन है पूछने का, क्योंकि उनके कुछ एक्सपीरियंस होते हैं एचआर डिपार्टमेंट में और उनको एक पता चल जाता है कि यार इस टाइप के बैकग्राउंड के बच्चे कंपनी में कम दिखते हैं, इस टाइप के ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोलने अटकना नहीं है। इंग्लिश नहीं आ रही तो आप हिंदी में जवाब, बट जरूर अब जबरदस्ती में इंग्लिश लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में दोगे तो इंटरव्यू इंग्लिश में जाएगा, आप बोल दोगे हिंदी में आता कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया में तो गुजराती और मराठी में भी इंटरव्यू होते हैं, अगर आप गुजरात जाओगे तो गुजराती में इंटरव्यू होता है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलती तो बहुत हमारे नंबर कम होगा, नहीं, जिस लैंग्वेज में कॉम्पिटिशन आपको कॉन्फिडेंस आएगा वही लैंग्वेज आपको यूज करनी है। आपको तो अपना नॉलेज, आपका नॉलेज शेयर करना है, ट्रांसफर करना है सामने वाले से, ठीक है। देखिए याद रखना सामने वाले के पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्लियर है, हमारे पास इतना टाइम है, हमको उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं, तो इंग्लिश में अटकना और इन सब से अच्छा है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर सके, ठीक है। कोशिश करना कि उस दिन थोड़ा जल्दी आ जाओ, रोते गाते बिल्कुल भी नहीं आओ जैसे हम रोज आते हैं, ठीक है। वो ड्रेसिंग सेंस का अच्छे से ध्यान, चप्पल चप्पल या कई स्पोर्ट्स शू या स्नीकर ये सब नहीं होने चाहिए। तो अब हम आज टॉपिक पे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बेसिकली मैंने आपको क्लियर कर दिया है क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या आ सकता है, ठीक है। ड्रेसिंग का कॉन्फिडेंस बहुत रखना है आपको, सबसे पहले एचपीएससी के क्वेश्चन से जो मैंने आपको लिखवाए हुए भी है, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, बेसिक क्वेश्चन है। क्रोमेटोग्राफी किसी कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक। मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज, दो टाइप की फेज होती है, पीएलसी सबसे की बेसिक फेज है, ठीक है, इट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। अगर आप ये बोलोगे इट इज अ टेक्निक फॉर यूज फॉर सेपरेशन, सफिशिएंट है, ठीक है। लैम्बर्ट बीयर लॉ बहुत बार हम डिस्कशन कर चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूवी, प्रिंसिपल ऑफ यूवी करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको लैम्बर्ट बीयर लॉ के ऊपर डिस्कशन करना है, ठीक है। व्हाट इज क्रोमोफोर, क्रोमोफोर जब यूवी जब एक्साइटमेंट स्टेट में चली जाती है तो हाईएस्ट एक्साइटमेंट स्टेट में जो रीजन होता है इट इज कॉल्ड क्रोमोफोर, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज ऑफ सिलिका जेल इन अवर कॉलम, जो एचपीएलसी का कॉलम है वहां पर पार्टिकल साइज होती है सिलिका जेल की 2 से 5 माइक्रोन है, ठीक है। पार्टिकल साइज इतनी कम होगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा और उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्लियर है। नेक्स्ट इज प्रेशर रेंज ऑफ एचपीएलसी 2000 से 5000 पीसीआई, ठीक है। नेक्स्ट इज जिस पर हमने डिस्कशन भी किया था इंस्ट्रूमेंट जब मैंने आपको दिखाया था, व्हाट इज द ग्रेडियंट और आइसोक्रेटिक मोड, ठीक है, क्लियर है आपको, हमने डिस्कशन किया था। ये बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाएगा अगर क्यूसी के लिए इंटरव्यू हो रहा होगा, मतलब जो पर्सन है अगर वो क्यूसी के लिए पर्सन लेने आया है तो आपसे इस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसमें बफर क्या होता है, पीएच क्या होती है, नॉर्मलिटी मोलरिटी, वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, सबके याद है डेफिनेशन आपको, यस सर, सभी को, यस सर, क्लियर है। ये भी हो सकता है आपसे कि आपको कागज दे दिया जाए और उससे वो बोले कि मुझे 1 मोलर सॉल्यूशन 100 ml के बनाना है तो कितना एचसीएल लगेगा, कितना एनओएच लगेगा, अगर वो पेन घुमाते रहते हैं घूमता नहीं है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है कि हो सकता है कि वहां कैलकुलेशन करनी पड़ जाए आप, क्लियर है, कैलकुलेशन के लिए तैयार रहना। टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स, कौन सा डिटेक्टर यूज हो रहा है, पीडी डिटेक्टर यूज हो रहा है अभी हमारे एचपीएलसी में, ठीक है। नेक्स्ट ईयर एचपीएलसी कौन सी कंपनी का है, व्हाट इज 1400 आई, यस 1400 आई, नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट इज एसए, ठीक है, ऐसे क्या पढ़ते हैं, ऐसे क्या होता है, परसेंटेज डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन में डिफरेंस, व्हाट इज डिसोल्यूशन, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। टाइट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर उनको केमिकल के लिए केमिकल डिपार्टमेंट होता है क्यूसी के अंदर, वहां टाइट्रेशन परफॉर्म की जाती है, व्हाट इज टाइट्रेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन,
व्हाट इज इंडिकेटर, ठीक है, आयोडोर आयोडीमेट्री, डिफरेंस बिटवीन, ये मैंने आपको रेडॉक्स फिल्ट्रेशन फर्स्ट सेम के अंदर पढ़ाया था, मेरा वीडियो भी है, आयोडोर आयोडीमेट्री, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, अगर कंपनीज कई बार जो रिटन एग्जाम लेती है उसमें ये क्वेश्चन डालती है आयोडोर आयोडीमेट्री का, ठीक है। उसके अलावा लिमिट टेस्ट क्या होता है, कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये सब पूछ रहा सकता है कि मॉइस्चर किसी भी सैंपल के अंदर मॉइस्चर की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, तो जिसको कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट या कार्ल फिशर टाइट्रेशन भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है आपको, कार्ल फिशर जो रिएजेंट होता है किससे मिलकर बना हुआ होता है, पाइरीडीन आयोडीन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, ये याद रखना, यहां तक अगर बात चली गई तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज ये भी पूछा जा सकता है, Why HPLC is better than other instruments? HPLC दूसरे instruments से बेहतर क्यों है? तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा sophisticated है, software के थ्रू control होता है, और इसमें जो सिलिका जो हम यूज कर रहे हैं उसकी पार्टिकल साइज सबसे कम होती है, ठीक है, उसका सेपरेशन सबसे अच्छा होता है, HPLC काफी अच्छी है। What is calibration and validation? इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। Then ये क्वेश्चन जो नॉर्मल है, what is GMP, GLP and CGMP? ठीक है, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज एचपीएलसी, ठीक है, अगर बेसिक होगा, अगर वो आपसे पूछता है कि अगर आपने एचपीएलसी चलाया है तो सीधा एचपीएलसी से पहला क्वेश्चन यही होगा, व्हाट इज एचपीएलसी, प्रिंसिपल ऑफ एचपीएलसी, व्हाट इज रिटेंशन टाइम, ठीक है, उसके अलावा सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, या वो आरएसडी के बारे में पूछ सकता है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसके ऊपर वो आपसे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो एचपीएलसी आपको क्लियर है? यस सर। फुल फॉर्म मालूम है ना? यस सर। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड, लिक्विड कॉमेटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज एफटीआईआर, देखिए एफटीआईआर में सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होता है ना वो होता है एफटीआईआर का यूज क्या होता है, एफटीआईआर नॉर्मल आईआर से डिफरेंट क्यों है, और एफटीआईआर में एफटी का क्या मतलब है, एफटी का मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या चीज है, क्योंकि जो एक मिरर होता है वो मूव करता है, वो जो मूविंग मिरर होता है जो अलग-अलग इंटेंसिटी पे आईआर को आपके सैंपल से पास आउट कराता है, ये मूविंग मिरर ही कहलाता है इंटरफेरोमीटर। क्लियर हो रहा है? तो एफटीआईआर और नॉर्मल आईआर में ये डिफरेंस है, नॉर्मल आईआर के अंदर ये मूविंग मिरर नहीं था और एफटीआईआर के अंदर ये मूविंग मिरर। क्लियर हो रहा है? यस। नेक्स्ट, इस मूविंग मिरर को इंटरफेरोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका जो सैंपल होता है वो पोटेशियम ब्रोमाइड के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। एफटीआर का सैंपल किस पेपर होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड में, क्योंकि इससे हमारा सैंपल जो होता है वो स्टेबल बना हुआ होता है आईआर के अंदर और हम एक दो दिन तक यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये एफटीआर के केवल सॉलिड के लिए यूज होता है, ऐसा नहीं है, सॉलिड के लिए भी यूज होता है, लिक्विड के लिए भी यूज हो सकता है और गैस के लिए भी यूज हो सकता है, सभी के लिए यूज है, बट एबीआर केवल सॉलिड के लिए यूज होता है, लिक्विड गैस लिक्विड के लिए हम ऑयल का यूज करते हैं केबीआर, ठीक है। ओके, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपसे पूछा जाएगा, बताया आपको रेंज ऑफ यूवी क्या होती है, देखो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यूवी की रेंज कितनी होती है, 200 से 400 नैनोमीटर और विजिबल की होती है 400 से 800 नैनोमीटर, बताया आपको, ये पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा यूवी का जो सैंपल होता है ना वो क्वार्ट्ज़ी क्यूवेट के अंदर फिल करते हैं, जिसके अंदर सैंपल फिल करते हैं, इट इज वो बनती है क्वार्ट्ज़ की। देखिए क्वेश्चन ये हो सकता है कि ग्लास की क्यों नहीं बनती, देखिए ग्लास का जो नेचर होता है ना वो ये होता है कि ग्लास अगर यूवी के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो 200 से 400 करीबन 200 से 300 नैनोमीटर को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो उस वजह से ग्लास को हम यूज नहीं करते क्योंकि वो खुद अपना एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है यूवी के साथ में। क्लियर हो रहा है आपको? उसके अलावा व्हाट इज ऑटो जीरो या आप कहते हैं बेसलाइन करेक्शन, वो होता है कि जब जिसके अंदर हमने सैंपल प्रिपेयर किया है जो भी हमने सॉल्वेंट यूज करा यूवी के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन को जीरो करने के लिए हम रन लगाने से पहले सैंपल मतलब जो सॉल्वेंट है उसको रन करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सॉल्वेंट प्रिपेयर किया है तो उस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है ऑटो जीरो करना, जिससे सॉल्वेंट की एब्जॉर्प्शन जीरो हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम हम सैंपल लगाएंगे तो हमको सैंपल की रीडिंग मिलेगी। क्लियर हो रहा है? बाकी बेसिक ही है, मैंने आपको एक बुक भी सजेस्ट करी है रविशंकर, उससे पढ़ो वो बहुत अच्छी है बेसिक के लिए, अगर आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है तो आप चटवाल का यूज कर सकते हो, इन दो बुक्स में परफेक्ट हो जाएगा, बट इंटरव्यू वाले दिन
याद रखो हमको पूरा कॉन्फिडेंस रहना है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि आपकी जितनी तैयारी है उतना कॉन्फिडेंस रखो, मतलब आधा गिलास खाली है उसको मत देखो, आधा गिलास भरा है ना, हमको उस पर रखना।